फिल्म आदिपुरुष के बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद से ही लगातार आलोचना की जा रही है। वहीं फिल्म देखने वालों का कहना है कि संगीत के अलावा इस फिल्म में कुछ भी ठीक नहीं है, बल्कि रामायण के सीन्स को गलत तरह से दिखाया गया है। अब इस पर रामानंद सागर की रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी और श्री लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत जैसे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी जड़ है। सारी मानव सभ्यता के लिए ये नींव के समान है, और न तो नींव को हिलाया जा सकता है और न ही जड़ को बदला जा सकता है। नींव या जड़ से किसी भी तरह का खिलवाड़, किसी भी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें इन शास्त्रों से संस्कार मिलते हैं, जीवन का आधार मिलता है। ये धरोहर ही हमें जीने की कला सिखाती है। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। आजकल ये चलन सा बनता जा रहा है कि सनातन धर्म का मजाक बनाओ, देवी देवताओं के ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर बनाओ, अभद्र भाषा में बोलता हुआ दिखाओ। आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें। जिस तरह के उन्होंने लुक रखा है, जिस तरह का कॉस्ट्यूम्स पहनाए हैं, वो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है कई सालों से, कई मिर्गा से जनरेशन से चला आ रहा है, वो उससे अलग हटके करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि ये गलत कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि क्या है कि राम को, रावण को या फिर दूसरे और कैरेक्टर्स हैं, लक्ष्मण या हनुमान है, उनको इस तरह से बताने में मुझे नहीं लगता कि लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि क्या है कि जो एक इमेज बनी हुई है जिस लुक में, वो इमेज को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। नया पहनावे से या लुक से नहीं होता, नया आपके अप्रोच से होता है। तो अप्रोच उन्हें शायद नहीं रखते तो बात रखती, अभी उन्होंने टोटली लुक ही चेंज कर दिया। मेरे को नहीं लगता कि कहीं से भी वो रावण लग रहा है या कहीं से भी हनुमान हनुमान दिख रहे हैं। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ग्राफिक्स के या फिर आप कह सकते हैं कार्टून नेटवर्क के कैरेक्टर हैं, वैसे दिख रहे हैं। हिंदी में न्यूज़ पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।